हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मेटिक नागपुर। आज हम आपके लिए लेके आए जिप कंपास का वीडियो, जिसमें हमने ग्राफीन क्रिस्टल सीरम 10H प्लस सिरामिक कोटिंग करना है। बट उससे पहले हम आपको गाड़ी का पेंट का कंडीशन दिखाना चाहेंगे, किस कंडीशन में ये गाड़ी हमारे पास में आई हुई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं गाड़ी का पेंट किस तरीके से है, कैसे इसमें स्क्रैचेस है, पेंट कितना हेजी है। काफ़ी जगह पर ऑयल पेंट के दाग दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए। ऐसे ऑयल पेंट के दाग काफ़ी जगह हैं गाड़ी पे, एंड गाड़ी के पेंट पे बबलिंग का भी इशू है। तो आई थिंक इसमें बोनट को रीपेंट कराने की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर पे भी पेंट के ऑयल पेंट के दाग है, किस तरीके से स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं। गाड़ी पे ओवरऑल डेंट का भी इशू है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डेंट लगा हुआ है, यहाँ काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह हैं गाड़ी पे, देखिए। तो ओवरऑल ये जीप कंपास 2017 का मॉडल है, एंड चलिए हम आपको आफ्टर डिटेलिंग शॉट दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इसमें फिनिश ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमने दो दिन का डिटेलिंग प्रोसेस किया है, एंड डिटेलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में हमने इसमें ग्राफीन 10H प्लस क्रिस्टल सिरामिक कोटिंग लगाया है। कोटिंग होने के बाद में गाड़ी पे ग्लॉस देख सकते हैं, फिनिश देख सकते हैं आप गाड़ी के ऊपर में, कितना अच्छा मिरर फिनिश आया हुआ है इस गाड़ी के ऊपर में। बात की जाए रबिंग पॉलिश या तो फिर डिटेलिंग, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रबिंग पॉलिश आपको 2 से 3 घंटे में कर दिया जाता है, वहीं पर आप अगर डिटेलिंग की बात करते हैं तो 22 से 24 घंटे की डिटेलिंग का प्रोसेस होता है। डिटेलिंग के प्रोसेस में अलग अलग तरीके के कंपाउंड एंड पैड यूज़ किए जाते हैं ताकि पेंट को करेक्ट कर सके, एंड देन उसके ऊपर में 9A सिरामिक कोटिंग या तो ग्राफीन 10H प्लस कोटिंग हमारे पास में की जाती है। इस गाड़ी में जो भी प्रोसेस हमने किया है, उसमें जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, वो सारे इंटरनेशनल ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें अपने कस्टमर्स को कि हम एंड टू एंड आपको अच्छा रिजल्ट ला के दे सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फिनिश देख सकते हैं, इसमें गाड़ी के ऊपर में काफ़ी अच्छा फिनिश आया हुआ है गाड़ी का, एंड ओवरऑल गाड़ी को देखने से पता नहीं चलता कि ये 2017 का मॉडल है अभी। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।